वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे मेरा नाम मिस नौरीन है और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी उम्मीद करती हूँ कि आप सब आज अपने उर्दू के सबक के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी होंगे हमने अपने पिछले सबक में पढ़ा था हमारे पड़ोसी के बारे में तो आज भी सबक तो हमारा वही है हमारे पड़ोसी अनवान हमारा है हमारे पड़ोसी लेकिन आज हम थोड़ा सा हमारे पड़ोसी सबक से आगे आ गए हैं सफ़ा नंबर सताइस पे तो सफ़ा नंबर सताइस पे आज थोड़ा सा डिफ डिफरेंट uh, काम है हमारा आपको पता है कि हमने हमारे पड़ोसी की इमला की नहीं की थी और साथ में उसके जुमले भी नहीं बनाए थे वो हमने इसलिए नहीं किए थे क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा आगे काम था तो हमने उस काम के साथ उसको uh, अटैच करके करना था तो हम शुरू करते हैं फिर अपना आज का सबक इमला और जुमले बनाए तो सबसे पहले आज हम पहले अपने इमला के कुछ अल्फाज करेंगे फिर जो इमला के ही हमारे अल्फाज होंगे उन्हीं अलफाज को हम अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे ठीक है बेटा तो हम पहले देखे हैं इमला के अलफा सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा बीमार दूसरा लफ्ज़ है मिल जुल तीसरा लफ्ज़ है पड़ोसी और चौथा लफ्ज़ है सेहत तो आज हमने अपने इमला के कितने लफ्ज़ किए चार लफ्ज़ किए बीमार मिलजुल पड़ोसी सेहत आपने इन अल्फाज की इमला बहुत अच्छे से तैयार करनी है इन इन अल्फाज को अपनी कॉपी रफ़ कॉपीज़ जो हैं आपके पास उसके ऊपर लिख के इनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको ये अल्फाज अच्छे से लिखने भी आ सकें ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं कि इन्हीं लफ्ज़ों की जो इमला है इसको हमने आगे जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है यहाँ पे आपको देखे नज़र आ रहे हैं लफ्ज़ वही हैं लेकिन हमने इसके जुमले बनाने हैं तो यहाँ पे हमारा ऊपर लिखे लिखा है जुमले बनाएं तो यहाँ पे हमने पहला लफ्ज़ लिया बीमार तो बीमार का मैंने यहाँ जुमला बनाया है मेरी अम्मी बीमार हैं तो मैंने एक जुमला बनाया मेरी अम्मी बीमार हैं आप इसके अलावा भी कोई इससे आसान जुमला बना सकते हैं तो बना सकते हैं दूसरा लफ्ज़ हमने लिया यहाँ पर मिल जुल कर दूसरा लफ्ज़ है मिल जुल कर मतलब एक साथ इसका मतलब होता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब मिल जुल कर रहते हैं मैंने यहाँ पे इसका जुमला बनाया हम सब मिल जुल कर रहते हैं तो ये मेरा हो गया दूसरा जुमला आपके पास अगर इससे आसान या आपके माइंड में कोई और जुमला है तो आप वो भी लिख सकते हैं मैं आपको एज आ एग्ज़ैम्पल ये बता रही हूँ कि आपने इस तरह के जुमले बनाने हैं ये ऐसे आप जुमले बना सकते हैं तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास यहाँ पड़ोसी हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं तो ये हो गए मेरे तीन जुमले लेकिन यहाँ पे पीछे हम एक दफ़ा आएंगे तो यहाँ पे हमने चार लफ्ज़ किए थे लेकिन मैंने यहाँ कितने जुमले बनाए हैं तीन तो मैंने कुछ चौथा लफ्ज़ कौन सा था सेहत सेहत का जुमला यहाँ नहीं बनाया है तो बेटा आपने क्या करना है आपने सेहत का जुमला ख़ुद बनाना है ठीक है तो मैं आपको वर्बली बता सकती हूँ ठीक है बोल के जैसे सेहत अल्लाह की नेमत है ठीक है अहमद एक सेहतमंद बच्चा है इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं लेकिन ये आप मैंने छोड़ा है ताकि आप इसको खुद बनाएं और आपको पता चले कि जुमला बनाते हैं उसको लिखते कैसे हैं तो ये हो गए मेरे आज के जुमले ठीक है अब आपको देखा आपने ये सोच रहे होंगे कि पहले तो मैम हमें मे करवाती हैं नोटबुक्स पर यह जुमले और इमला लेकिन आज मैम ने हमें यह नहीं कहा कि नोटबुक पे करनी है क्यों नहीं कहा क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास हमारे सबक हमारे पड़ोसी का सवाल नंबर तीन मौजूद है जिसमें है लिखा है इन अल्फाज की अम्लायाद कीजिए और इनके जुमले बनाइए तो मैम ने इसलिए आपको अलग से नहीं करवाए क्योंकि ये हमारी किताब में मौजूद हैं तो इसी वजह से हमने अलग से नहीं किए हम यहीं पर इसकी इमला करेंगे और यहीं पर इसके जुमले भी लिखेंगे ठीक है यहाँ पर ये देखें जुमला एक यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ चौथा यहाँ तो इन चार लफ्ज़ों के जुमले जो मैंने चार लफ्ज़ आपको पहले बताएं बीमार मिलजुलकर पड़ोसी और सेहत यही चार लफ्ज़ मैंने आपको बताएं आपने इन्हीं चार लफ्ज़ों के जुमले यहाँ पे बना देने हैं ठीक है और बहुत अच्छे से लिखने हैं और दंदानों शेप्स का ध्यान रखना है और ध्यान रखें कि पहला लफ्ज़ है तो पहले पे दूसरा लफ्ज़ दूसरे पर तीसरा तीसरे पर और चौथा या चौथे पर अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लें जिस तरह मैंने अभी पीछे आपको दिखाया कि मैंने ये जुमलों की एक लाइन ड्रॉ की हुई है तो आप भी बिल्कुल इस तरह यहाँ पर एक जुमलों की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लें यहाँ पर लफ्ज़ लिख लें और यहाँ इस साइड पर लफ्ज़ और इस साइड पर जुमले बना लीजिए ठीक है बेटा ये तो हो गया हमारा आज का ये अल्फाज और इनकी मिला और जुमले लेकिन ये काम काफ़ी थोड़ा सा है ठीक है तो आपको पता है कि हमारे अब मंथली टेस्ट शुरू हो गए इसलिए ये काम थोड़ा है, काफी थोड़ा है क्योंकि अब आप एक मंथ आपको पढ़ते हुए होंगे तो हम इसके साथ थोड़ा सा काम और करेंगे जिसमें है लिखा है सवाल अगला है मुनासिब हरूफ से इबारत की खाली जगह पुर कीजिए अब इसमें दो चीज़ें आई हैं एक तो हरूफ लफ्ज आया है कि हमने कुछ हरूफ लेने हैं और उसको किसी अबारत में लिखना है तो हरूफ़ कौन से हैं पहले तो हम ये देखेंगे वो हरूफ़ कौन से हैं जिसको हमने किसी भी अबारत में लिखना है ठीक है तो यहाँ पे आएंगे हरूफ देखेंगे हरूफ है का के की को ने पर से मे तो ये हमारे पास कुछ हरूफ हैं जिनको हमने किसी भी अबारत में लिखना है ठीक है तो हम हरूफ हमने देख लिए तो लेकिन अब हमें अबारत भी चाहिए जिसमें हमने इनको लफ्ज़ों को लिखना है तो हम आगे चलते हैं हमारे पास अबारत है ठीक है खाने में दिए गए मुनासिब हरूब से अबारत की खाली जगह पुर कीजिए तो ये लफ्ज़ यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ये बिल्कुल वही लफ्ज़ हैं तो आपने क्या करना है इन्हीं अल्फाज को आगे नीचे नी, नीचे लिखना है ठीक है मैं अबारत को आपके साथ पढ़ती भी हूँ ताकि आपको भी करना आ जाए लिखा है सारा और जारा दो बहनी हैं सारा को यहाँ पे ब्लैंक आ गई देखें और यहाँ पे को लिखा है पढ़ने और लिखने क्या आएगा का शौक़ है पढ़ने और लिखने का शौक़ है जारा खेलना कूदना पसंद करती है दोनों बहनों के शौक़ अलग अलग हैं देखें के हमारे पास है तो जहाँ ब्लैंक है सिर्फ वहीं पर हमने लफ्ज़ लिखना है दोनों बहनों के शौक़ अलग अलग हैं सारा की सालगिरह पर उसके भाई ने देखें सारा की सारा की सालगिरह पर उसके भाई ने उस को एक किताब तोहफे में दी मतलब यहाँ पे ये यह देखिए बहुत सारे लफ्ज लिख रहे हैं कहाँ को आ रहा है कहाँ पर कहाँ ठीक है की तो ये हो गया इतना आगे चलते हैं सारा किताब देखकर बहुत खुश हुई जारा ने जारा ने भाई जान से कहा कि मेरी सालगिरह पर आप मुझे कोई खिलौना तोहफे में देंगे तो मुझे खुशी होगी भाई जान ने जारा से वादा किया कि वो उस की सालगिरह पर उसे एक गुड़िया देंगे बेटा ये मैंने आपको पढ़ के बताया है सारा कहाँ कौन सा लफ्ज आया मैं आपको लिख कर नहीं बताऊँगी क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो टू क्लास में आ गए हो क्योंकि अगर मैं आपको बता दूंगी तो आप बिल्कुल उसी तरह उसको कॉपी पेस्ट कर लोगे तो मैं नहीं चाहती आप कॉपी पेस्ट करें जब तक आप इस अबारत को पढ़ेंगे नहीं आपको लफ्ज़ों की समझ नहीं आएगी इसलिए आपने ख़ुद इस अबारत को अच्छे से पढ़ना है जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा लफ्ज आना है ठीक है तो आपने इस अबारत को ख़ुद पढ़ना है और ख़ुद से इन लफ्ज़ों को देखना है कहाँ पर कौन सा लफ्ज आएगा उनको लिखना है और ध्यान से बेटा इसको पढ़ना है जितने ध्यान से पढ़ेंगे उतनी जल्दी पता चलेगा कहाँ कौन सा लफ्ज आएगा और अपना काम बहुत अच्छे से करना है और सफाई से करना है दंदानों का और शेप्स का बहुत ध्यान रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है इंशाल्लाह अगले सबक में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें ठीक है अल्लाह हाफिज़ बेटा